मैं आप सभी के बीच एमएटीएन राहुल कुमार, अभी मैं उपस्थित हूँ सहरसा जिला के अंतर्गत सिचनाबाद उत्तरी पंचायत के अपने गांव कुमेदान टोला में, जिसको मैं अपने जन्मभूमि भी मैं बोल सकता हूँ। ओके, सबसे पहले तो मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस और माँ सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहूँगा। ओके, तो मैं अभी उपस्थित हूँ अपने गांव कुमेदान टोला, जिसको मैंने अभी बताया कि अपने जन्मभूमि भी मैं बोल सकता हूँ। ओके, तो आज मैं आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से माँ सरस्वती की प्रतिमा को एक झलक मैं आप सभी को मैं दिखलाना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे माँ सरस्वती की एक भव्य प्रतिमा यहाँ हर एक वर्ष स्थापित की जाती है हमारे कुमेदान के सभी ग्राम वासियों की मदद से। मैं सरस्वती माता से यही विनती और प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप हमारे कुमेदान वासियों को कोई चीज़ की कमी ना करें, उनकी हर एक कमियों को पूरा करें, जिसके कारण कभी कमी फील ना हो पाए और हमारे माँ सरस्वती की प्रतिमा को इसी तरह हर एक वर्ष यहाँ पे स्थापित किया जाए। हर्ष और उल्लास पूर्वक हमारे ग्रामीण वासियों को कभी भी कोई चीज़ की कमियाँ ना हो, आप माँ विनती और प्रार्थना जरूर करें, इसी तरह हर एक वर्ष इस तरह की भव्य प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया जाए। तो ये क्लब का नाम है कुमेदान टोला माँ सरस्वती क्लब, के कार्यकर्ता कुछ यहाँ उपस्थित हैं। चलिए मैं उनसे बात करना चाहूँगा आज के दिन के बारे में, उनको कैसा महसूस और फीलिंग हो रहा है। तो चलिए, यहाँ पे उपस्थित हैं हमारे रवि जी। रवि जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आज सरस्वती पूजा का दिन है, आप इसको किस तरह इंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा अपने शब्दों में हम लोगों को वाकिफ कराइए। जैसा कि आप जानते हैं, सरस्वती पूजा साल में एक बार आता है और बहुत हर्ष का उसमें माहौल होता है और हम सब बहुत इंजॉय करते हैं। माता रानी की बहुत प्रतिमा आती है तो सबका मन खुश हो जाता है, गांव वाले में हर्ष का माहौल होता है, तो हम सब बहुत इंजॉय करते हैं इसमें जी। तो ओके रवि जी, मैं आपकी क्वेश्चन की आंसर से मैं संतुष्ट हूँ। रवि जी ने जैसे बताया कि बसंत पंचमी की हम सभी को बहुत दिनों से इंतजार रहती है, इसमें हम लोग उत्साह पूर्वक और उल्लास पूर्वक माँ सरस्वती का प्रतिमा को मैं स्थापित करता हूँ और इसे धूमधाम से हम लोग विसर्जन में भाग लेते हैं और इसे विसर्जित तक कार्य को हम लोग उत्साह और उल्लास पूर्वक मनाते हैं। चलिए, हमारे साथ यहाँ एक और कार्यकर्ता उपस्थित हैं, उनका नाम है मयंक जी। मयंक जी, थोड़ा आप इधर कैमरा के सामने आ जाइए। मयंक जी, आप सरस्वती पूजा को किस तरह रिएक्ट करते हैं, किस तरह आप सेलिब्रेट करते हैं और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो पूजा है ये हर एक वर्ष होना चाहिए, इससे हम लोगों के मन में जो पॉजिटिव एनर्जी होता है वो आता है, मतलब अपने जो गांव में है, समाज में जो नॉलेज बढ़ेगा इससे, मतलब कुछ भी थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी फील होगा। ये अगर हमें ऐसे ही हम अगर खुशी के साथ मनाएं इस गांव समाज के साथ मिल के ये पर्व, तो ओके। थैंक यू मयंक जी, ने हमारे क्वेश्चन का बहुत ही बेहतर ढंग से जवाब दिया, इसके सवालों से मैं संतुष्ट हूँ। इसी तरह हमारे कुमेदान ग्राम वासियों को माँ की आशीर्वाद मिलते रहे और हर वर्ष इस प्रतिमा की यहाँ स्थापित हो। ओके, थैंक यू, और आप सभी का दिन शुभ मंगलम ये हो। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर। यहाँ हमारे रंजीत जी भी उपस्थित हैं, जो कि मेन कार्यकर्ता। रंजीत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग पूरा ग्रामवासियों के सहयोग से मूर्ति बैठाते हैं और पूरे कुमेदान टोला को बताने चाहता हूँ कि हर साल यहाँ पर बैठाए जाए और हम लोग को बहुत खुशी की बात होता है जो यहाँ पर मूर्ति बैठाते हैं। ओके, थैंक यू। रंजीत जी भी ने हमारे क्वेश्चन की बहुत अच्छा से एक्सप्लेनेशन किया। हमारे तमाम ग्रामवासियों के खुशी और उत्साह के लिए इस माँ प्रतिमा की स्थापित की जाती है। बहुत खुशी की बात बताया है रंजीत जी ने, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर। ओके, कर दो।